स्पीड तो देखो इसकी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। मेरे कैमरामैन के हाथ कांप रहे हैं इसकी स्पीड कैप्चर करने में। ओह माय गॉड, इस बार सुपर। हाय गाइस, मेरा नाम है रयान। आज सुपरा MK5 का पार्ट टू वाला वीडियो का। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही मैंने इन दोनों की रेस लगाई ना यार, सुपरा को वेंडेटा बार बार पीछे से टक्कर मार रही थी और इन दोनों के बीच में बहुत बार एक्सीडेंट भी हो गया था और सुपरा का ऊपर का कवर टूट के दूसरी जगह भी गिर गया था। तो आज सुपरा को अपग्रेड करके बहुत सारे नए नए पार्ट्स में लगाने वाला हूँ। साथ में इसकी रेस आज XO1 के साथ भी लगाएंगे। गाइस देखते हैं क्या सुपरा वेंडेटा और XO1 को रेस में हरा पाएगी या फिर नहीं। यहाँ पे मैं आपको पार्ट्स भी दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो, Amazon से मैंने इसके बहुत सारे पार्ट्स खरीद लिए हैं सुपरा को अपग्रेड करने के लिए। मैं आज कौन सी कार्स लाया हूँ सुपरा के साथ रेस कराने के लिए। XO1 है, रसलर है, और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आज पहले इसके जो पुराने पार्ट्स है वो निकालते हैं, उसके बाद इसके अंदर लगाएंगे नए वाले पार्ट्स। ये बॉडी कवर मैंने अलग कर दिया है। इसका ये जो सस्पेंशन है, आज सस्पेंशन भी हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं। तो ये कार के स्टॉक इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये ब्रशड मोटर है, यहाँ पे इसका ESC है। तो हमारी सुपरा का कॉस्ट है 55,000 रुपीज और इसके जो पार्ट्स मैंने मंगवाए हैं वो है 40,000 रुपयों के। गाइस ये सारे पार्ट्स मैं पहले इसके अंदर से निकाल लेता हूँ, फिर एक एक करके आपको बताऊंगा, फिर हमारी कार के अंदर इनको डालेंगे। ये इसकी बिल है तो बिल को रखता हूँ मैं साइड में। इसकी जो मोटर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी मोटर है। मैंने अब इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए ये वाली ट्रैक्सेस की वेलिनॉन मोटर खरीदी है। ये कम्प्लीटली ब्रशलेस मोटर है, तो आज इसको लगाने के बाद देखेंगे इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये रही इसकी ESC, ये मैंने खरीदी है ट्रैक्सेस की। इसका नाम है वेलिनॉन VXL3S। ये दोनों एक कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। देखो, ब्रशलेस मोटर, ब्रशलेस ESC, और ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ भी है। ESC इसके अंदर लगाने के बाद इसके अंदर जायरो भी आ जाएगा। जब मैंने ये कार को खरीदा था इसके अंदर बिल्कुल भी जायरो नहीं था, इस वजह से मैं ये कार को ज्यादा स्पीड में चला रहा था तो ये बार बार अनबैलेंस होकर दीवारों से टकरा रही थी। तो अब सबसे मेन चीज मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। पुराने वाले रिमोट के अंदर जायरो नहीं था, ये रिमोट के अंदर जायरो भी दिया गया है। जो स्टॉक रिमोट मेरे को मिला था उसके अंदर सिर्फ एक नॉब था, इसके अंदर देखो गाइस यहाँ पे दो नॉब्स दिए जाते हैं ताकि मैं इसके जायरो को 100% पे भी रख सकूं, न्यूट्रल भी कर सकूं, या फिर इसको पूरी तरीके से जीरो पे भी रख सकूं। इसका प्राइस पता है 20,000 रुपए है। ये इसका रिसीवर है। अब चलो गाइस, ये सारी चीजें जो है हमारी सुपरा के अंदर हम लोग इंस्टॉल करेंगे, फिर इसकी रेस लगाएंगे दूसरे कार के साथ। देखते हैं ये सारी चीजें लगाने के बाद इसकी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ती है और इसकी स्टेबिलिटी कितनी अच्छी होती है हाई स्पीड में चलाने पे। पहले मोटर निकालेंगे, फिर ESC को निकालेंगे, फिर इसके अंदर से जो रिसीवर है उसको भी निकाल लेते हैं। ये मोटर के ऊपर 3-4 स्क्रूज है, इसको हटा देते हैं। फिर इसका गियर भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा गियर आज मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ। ये हट चुका है। ओके, मोटर के ऊपर का कवर मैंने हटा दिया है। अब मोटर को यहाँ से मेरे को खींच कर निकालना पड़ेगा, तो मेरे को लगता है गाइस ये निकल जाएगी यहाँ से खींचने पे। ये आ गई भाई साहब इसकी मोटर, देख रहे हो काफ़ी बड़े साइज की मोटर थी। तो इसको तो यहाँ पे मैं रख दूंगा। अब इसका जो ESC है, ESC को निकालते हैं। ESC को निकालने के लिए इसको इस तरफ पलटना पड़ेगा। ये ESC के स्क्रूज को मैंने खोल दिया है, अब ESC भी जो है बाहर आ जाएगी। ओके, ये आ गई हमारी ESC बाहर। अब इसके साथ एक वायर जुड़ा है, वो इसके रिसीवर का वायर है, तो रिसीवर भी निकाल लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि रिसीवर का अब इसके अंदर कुछ काम है नहीं, क्योंकि हम लोग इसके अंदर नया रिमोट लगाने वाले हैं ना, तो ये रिसीवर इसके अंदर काम नहीं करेगा। ये बॉक्स को मैंने खोल लिया है, इधर एक और स्क्रू है, इसको खोल लेते हैं इधर से। ठीक है, अब ये इसका पुराना वाला रिसीवर है जो कि इसके अंदर जायरो नहीं दिया गया है। अब जो मैं इसके अंदर रिसीवर लगाऊंगा उसके अंदर जायरो है। इसका साइज भी देखो, अब जो मैं नया खरीद के लाया हूँ उसके मुकाबले में थोड़ा सा छोटा भी है। तो इसके जो कनेक्शंस है ये हटा लेते हैं। तो इसके अंदर मैं सर्वो नहीं चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि सर्वो इसका बहुत ज़्यादा पावरफुल है ऑलरेडी। सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है अब कुछ काम का रहा नहीं, इनको हटाते हैं साइड में। सबसे पहले वेलिनॉन ब्रशलेस मोटर लगाते हैं। ये इसका मोटर माउंट है, इसको पहले यहाँ पे लगाना पड़ता है, फिर हम लोग जो है इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ये पिनियन गियर से ये गियर अटैच हो जाएगा। मोटर माउंट फिक्स हो चुका है यहाँ पे, ये लो दोस्तों। बहुत कस के इसको टाइट करना पड़ता है यार, क्योंकि मोटर के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होता है।
तो अगर ये खुल गया समझो ये जो गियर है पूरी तरीके से टूट फूट जाएगा, साथ में ये गियर को भी ये तोड़ के रख देगा। अब ये यहाँ पे बहुत इजीली फिक्स हो जाएगा, इसको लगाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। ये यहाँ पे इसके स्लॉट में मैंने रख दिया है। मोटर के ऊपर लगाएंगे मोटर कवर और हमारी जो मोटर है यहाँ पे पूरी तरीके से फिक्स हो चुकी है। ESC लगाते हैं, हमने जो पुराना ESC निकाला था उसके प्लेस में ये नया वाला ESC यहाँ पे काफी आराम से फिक्स भी हो जाएगा। यहाँ पे जगह भी काफी अच्छी खासी दी गई है। यहाँ पे आपको 3 वायर्स दिखाई देंगे, साथ में ESC के ऊपर भी 3 वायर्स आपको दिख रहे होंगे। ये सेम मैचिंग कलर में इनको इस तरीके से कनेक्ट करना है। सयान कलर में सयान कलर को मैंने कनेक्ट कर दिया, येलो कलर में येलो कनेक्ट हो चुका है और व्हाइट में व्हाइट कलर कनेक्ट हो चुका है और ये कनेक्शन पूरा हो चुका है। अब इसका रिसीवर लगाने वाला हूं मैं। पुराना वाला रिसीवर मैंने यहां से निकाल दिया है, उसके प्लेस में आ चुका है बड़ा सा रिसीवर। अब देखना गाइस, जब मैं इसको स्पीड चलाऊंगा ना तो ये ज्यादा शेक नहीं होगी, ज्यादा इसके एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे। यहाँ पे हम लोग इसके अंदर काफी बड़े साइज की बैटरी भी लगा सकते हैं। तो अभी इसका कनेक्शन दे देते हैं। ये इसका ESC है, ESC को पहले कनेक्ट करते हैं। स्लॉट 1 में हम लोग ये कनेक्ट हो चुका है। ये इसका सर्वो है, सर्वो को कनेक्ट करेंगे हम लोग स्लॉट 3 में। तो अब इसके अंदर बैटरी डालते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं। यहाँ पे एंटीना है, एंटीना को जो है यहाँ पे मैं फिक्स कर दूंगा ताकि इसकी रेंज ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। बैटरी को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे कनेक्शन कर देता हूं मैं। ये कनेक्ट हो चुका है, अब ऑन करने वाला हूँ गाइस। उससे पहले इसके रिमोट को ऑन करते हैं हम लोग। रिमोट ऑन हो चुका है, लाइट जलने लगी है, अब इसको ऑन ऑफ करते हैं। ओ भाई साहब देख रहे हो, ऑन हो चुका है भाई एक बार में ही। स्टीयरिंग चेक करते हैं, स्टीयरिंग बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो अब इसकी बैटरी को यहाँ पे लगा देते हैं, फिर इसको एक बार चला के देखते हैं गाइस। इसका बॉडी कवर भी लगा देते हैं, अब इसको चलाते हैं। यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज। वो ओ भाई अरे बाप रे, ये तो चिल्ला रही है यार, बहुत ज्यादा पावर इसकी बढ़ चुकी है, मेरे हाथ से फिसल की चले जाती यार अब ये। तो यार इसका जायरो काम नहीं कर रहा है भाई, अपने आप स्टीयरिंग घूमनी चाहिए इसकी। इसके अंदर एक बार चेक करते हैं। अरे यार जायरो को मैंने 0 पे रख दिया था, अभी इसका जायरो 100 पे कर देते हैं। अब एक बार देखते हैं, यार अभी भी काम नहीं कर रहा है जायरो। आप देखो गाइस काम कर रहा है, रिमोट को मैं यहाँ पे रख दूंगा, दिख रहा है आपको, अब आएगा यार असली वाला मजा इसको चलाने में। ओके अब चलते हैं बाहर इसकी स्पीड टेस्ट करने के लिए। कार को मैंने यहाँ पे रख दिया है। ओ माय गॉड, एक बार इसके अंदर आवाज तो सुनो यार, पहले के सुपरा के मुकाबले में इसकी आवाज बहुत ही भयंकर बन चुकी है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा हट चुका हूँ क्योंकि यार ये कार बहुत ज्यादा बवाल बन चुकी है। इस बार स्पीड तो देखो इसकी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, मेरे कैमरामैन के हाथ कांप रहे हैं इसकी स्पीड कैप्चर करने में। मैंने नहीं सोचा था कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ेगी। ब्रेक टेस्ट करते हैं, ब्रेक्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हो चुके हैं इसके। अब थोड़ा सा ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं। ये देखो जब से मैंने इसको अपग्रेड किया है बहुत ही मस्त तरीके से ड्रिफ्ट कर रही है। यार मेरे को भी थोड़ा सा डर लगने लगा है इसको हाई स्पीड चलाने में, क्योंकि देखो कहीं इसके टायर वायर ना फट जाए। ये देख रहे हो क्रूज कंट्रोल भी इसके अंदर आ चुका है। यार यहाँ पे मैं इसके ट्रिगर को बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर रहा हूँ, कार को मैंने एक सर्टन स्पीड पे सेट कर दिया है, तो अब ये अपने आप ही चलने लगेगी वो स्पीड पे। अब देखते हैं क्या रसलर इसके सामने टिकेगी या फिर नहीं। चलो गाइस, ये क्या था यार, सुप्रा ने इसको धक्का मार के रोड के बाहर कर दिया था। फिर एक बार रेस स्टार्ट करते हैं गाइस। वापस से दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है। रसलर को बिल्कुल भी कम मत समझना क्योंकि ये हाई स्पीड में बहुत ज्यादा स्टेबल चल सकती है। देखते हैं फर्स्ट राउंड में कौन जीतता है। सुप्रा बहुत ज्यादा तेजी से आगे निकल चुकी है, रसलर बहुत ज्यादा पीछे है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। सेकंड राउंड में भी सुप्रा बहुत ज्यादा इजीली जीत चुकी है। देखते हैं थर्ड राउंड में कौन जीतता है। थर्ड राउंड के लिए देखो सुप्रा यहाँ तक पहुंच भी चुकी है, इसके आसपास में भी रसलर नजर तक नहीं आ रही है। क्लियरली यहाँ पे सुप्रा ने रसलर को बहुत ज्यादा डिस्टेंस से हरा दिया है रेस में। लास्ट टाइम जो अधूरी रेस रह गई थी सुप्रा और वेंडेटा के बीच में, अब उसको कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं इस दोनों में से कौन जीता है। 3 स्टार्ट, रेस स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं क्या सुप्रा अपना बदला ले पाएगी या फिर नहीं वेंडेटा से। वेंडेटा को भी बिल्कुल कम मत समझना। ओ माय गॉड यार, सुप्रा और वेंडेटा के बीच में देखो बहुत ज्यादा कम डिस्टेंस रह गया था।
इस बार सुप्रा काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। यहाँ पे देखो सुप्रा वापस से आ रही है यार, दो बार यहाँ पे सुप्रा ने हरा दिया है वेंडेटा को। देखते हैं इस बार कौन जीता है, इस बार भी देखूंगा। सुप्रा बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है, क्लियरली यार यहाँ पे सुप्रा की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है वेंडेटा के मुकाबले में। तो भाई मेरे को तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि सुप्रा ने वेंडेटा को 3 राउंड्स में हरा दिया है। अब यहाँ पे आ चुकी है बाहुबली X1। देखते हैं गाइस क्या ये सुप्रा के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं। आपको पता होगा X1 की टॉप स्पीड 160 से 180 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है, दोनों बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहे थे, दोनों को मैंने टर्न करा लिया है। ये देखूंगा इस X1 ने हरा दिया है सुप्रा को फर्स्ट राउंड में। देखते हैं इस बार कौन जीता है, दोनों आ रहे हैं यहाँ पे। यार मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है कि सेकंड राउंड में सुप्रा ने हरा दिया है X1 को। देखते हैं इस बार कौन जीतता है। इस बार भी सुप्रा ने हरा दिया X1 को। भाई मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि सुप्रा इससे ज्यादा तेज ऐसे कैसे चल रही है। यहाँ पे भाई यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन हुए जा रहा है। यहाँ पे वापस से आप देख सकते हो, अरे बाप रे ये क्या हो गया, यहाँ पे एक बहुत भयंकर वाला एक्सीडेंट हो चुका है वापस से सुप्रा का। यार ने इसको पीछे से आके धक्का मार दिया था, तो एक बार इसको चला के देखते हैं। अरे यार ये देखो गड़बड़ हो चुकी है, टक्कर मारने के कारण इसकी बैटरी अंदर से निकल के आ चुकी है। इस वजह से मैं सोच रहा था कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही है आगे। फिर से एक बार रेस स्टार्ट करते हैं गाइस। ये देखो यार अब इन दोनों के बीच में बहुत ही कम और माइनर डिस्टेंस रह गया था। एक और बार ट्राई करते हैं, इस बार भी सुप्रा यहाँ पे जीत चुकी है। मेरे को नहीं लगता गाइस अब इसके सामने X1 जरा भी टिक पाएगी। अब सुप्रा की जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ज्यादा सॉलिड है। देखा ना गाइस हमारी सुप्रा ने भाई आज धोके रख दिया है पूरी की पूरी कार्स को। आज तो यार इसने X1 को भी हरा दिया भाई, बहुत ज्यादा कमाल की कार है ये। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी रेस कौन सी कार्स के साथ कराऊं। ये कार का टोटल रिस्पांस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर गाइस मान लो आज की वीडियो पे 50K लाइक्स हो जाते हैं तो मैं इसका एग्जॉस्ट सिस्टम भी इसके अंदर फिट करने वाला हूँ। फिर हम इसको जैसे ही चलाएंगे ना इसके अंदर वो रटाटा वाली जो आवाज आती है रियल सुप्रा में, वैसे ही आवाज इसके अंदर भी आने लगेगी। आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है अथर, अक्षित, रजत, नक्ष, अरहम, प्रियांश, आदर्श, इसाक, हिमांशु, सात्विक। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय।